component of class in Python. ठीक है, Python में कौन कौन से component होते हैं जिसको अपन class के अंदर रख सकते हैं. पहला होता है data member, दूसरा होता है member function, तीसरा होता है constructor. ठीक है, ये तीन अलग अलग टाइप के components क्लास के अंदर पाइथन में प्रेजेंट होते हैं. डेटा मेंबर मीन्स, डेटा मेंबर मीन्स वेरिएबल्स बोल सकते हैं. इट इज यूज टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट. किसी भी ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दे दिया इसका पर्टिकुलर जो अपना रोल नंबर है, रोल नंबर इक्वल्स टू 1001. ठीक है, नेम इक्वल्स टू एक्स बाय जेड. तो ये दोनों क्या हो गए, इस क्लास के अंदर के डेटा मेंबर हो गए. ठीक है, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे डेटा मेंबर को अपन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है. जब भी हमें किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, मेंबर फंक्शन. ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग डेटा मेंबर ऑफ क्लास एंड प्रोग्राम लॉजिक. ठीक है, जो प्रोग्राम का लॉजिक होता है या डेटा मेंबर ऑफ क्लास होते हैं उनको यदि आपको डिफाइन करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, मेंबर फंक्शन के थ्रू करते हैं. और मेंबर फंक्शंस के भी इसमें टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन. जैसे जावा में मेंबर फंक्शंस होते हैं स्टैटिक डायनेमिक, वैसे इसके अंदर भी होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक. इसमें अपन कंपाइल टाइम रन टाइम नहीं बोलेंगे, स्टैटिक मतलब वन टाइम मेमोरी. ठीक है, स्टैटिक इट प्रोवाइड वन टाइम मेमोरी एलोकेशन टू पाइथन कोड. पाइथन कोड के अंदर यदि आपको वन टाइम मेमोरी एलोकेशन मैनेज करना है तो उसके लिए अपन स्टैटिक यूज करते हैं. और स्टैटिक के लिए देखो सिंटैक्स को सिंपल, क्लास, क्लास का नाम और यहाँ पे डेफ, मेथड नेम. बिना किसी सेल्फ कीवर्ड के यदि आप कोई मेथड लिखते हो तो पाइथन में क्या होता है, वो स्टैटिक होता है. क्या होता है, वो स्टैटिक होता है. ठीक है, स्टैटिक को अपन कॉल करने के लिए इसमें एक क्लास नेम, आपको क्लास नेम और डॉट मेथड नेम से आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. स्टैटिक को कॉल करने के लिए आपको किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, स्टैटिक के अंदर यदि आप कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, स्टैटिक ही रहते हैं. स्टैटिक वेरिएबल्स स्कोप विल बी स्टैटिक बाय डिफॉल्ट. ठीक है, जैसे हम एक, अब इसके बाद डायनेमिक, पहले मैं इन दोनों को बता देता हूँ फिर इनके एग्जाम्पल बताता हूँ. इट प्रोवाइड रन, इट प्रोवाइड डायनेमिक मेमोरी स्पेस by object we will use self keyword as a parameter to dynamic method. Python में जो dynamic methods होते हैं उनके लिए अपने को self keyword की जरूरत पड़ती है. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया class, class name जो हमने इसके पहले example में discuss किया था, def यहाँ पर method का नाम, मेथड नेम की आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा. तो ये जो मेथड हो गया दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेथड. कौन सा मेथड कहलाएगा, ये डायनेमिक मेथड. और डायनेमिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है और यहाँ पे क्लास का नाम. कोई न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब कुछ इसमें ये इंटरप्रेटर होता है. ठीक है, इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि रन टाइम में सब चीज़ें होती है, इसलिए इसके लिए अलग से हमें कोई मेमोरी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. जैसे जावा में हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि जावा में कंपाइलेशन टाइम भी होता है, रन टाइम भी होता है. तो रन टाइम में आपको जावा के अंदर म्यूचुअली मेमोरी क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, पाइथन के अंदर म्यूचुअली मेमोरी क्रिएट नहीं करना है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली रन टाइम स्पेस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें स्टैटिक भी रन टाइम इसमें ही मैनेज होता है, लेकिन स्टैटिक के अंदर क्या हो गया, वन टाइम मेमोरी एलोकेशन. आपका एक बार ही मेमोरी एलोकेट होगा, आप वैल्यूज उसमें चेंज कर सकते हो लेकिन मेमोरी आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन डायनेमिक के लिए आप एक ही टाइप के मेथड्स को अलग अलग मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो. तो 90% प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिक यूज होता है. सिर्फ 10% केस में कोई कॉमन थिंग्स है, कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है, उसको सभी यूजर्स को आपको शेयर कराना है, तो ऐसे केस में आप स्टैटिक यूज करते हैं. जैसे स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी. ठीक है, हमारी जो आईपी होती है जो हम पर्टिकुलर प्रोवाइडर के थ्रू चलाते हैं, ये आईपी क्या रहती है, आपकी स्टैटिक रहती है. ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है, सॉरी डायनेमिक आईपी रहती है. हमारी जो आईपी रहती है क्या रहती है, डायनेमिक होती है. ठीक है, रोज के डेट में आपको जैसे आप रीस्टार्ट करोगे या रीशेड्यूल करोगे अपने पर्टिकुलर जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोवाइडर्स है, तो अपने आप उसका आईपी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर स्टैटिक आईपी रखते हैं. ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज.
तो वैसे ही आपका यहाँ पर है कि आपको एक ही मेमोरी स्पेस क्रिएट करना है पूरे प्रोग्राम के लिए, तो आप स्टैटिक यूज करिए। आपको अलग अलग मेमोरी स्पेस करना है, क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए डायनेमिक यूज करिए। ठीक है, जैसे मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करता हूँ, बैंकिंग सिस्टम स्टैटिक से बन जाएगा तो लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन होगा वो सभी को शो होगा। लास्ट वाला यदि करोड़पति हो गया तो सबके सब करोड़पति हो गए। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपका अलग अकाउंट बैलेंस है, मेरा अलग बैलेंस है, आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, आपका सिर्फ ट्रांजेक्शन हो रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, आपका डायनेमिक है। इसलिए रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग तो स्टैटिक के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या लाया गया, डायनेमिक लाया गया। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आइडियली ओपन करता हूँ, आइडियली के अंदर एक क्लास बनाता हूँ और उसमें मैं पहले स्टैटिक आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बना दिया क्लास, यहाँ पे दे दिया मैंने कॉलेज, यहाँ पे दे दिया डेफ कॉलेज इन्फो, वेलकम इन एक्स बायजेट कॉलेज, ये मैंने स्टडी बना दिया। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मुझे सभी को दिखाना है। इसको मुझे डायनेमिक बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने ले लिया रोल नंबर, यस नेम सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर सेल्फ डॉट यस नेम इक्वल्स टू यस नेम। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेथड्स बनाए। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, डेफ कॉलेज इन्फो कॉलेज डिस्प्ले। यदि मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना है तो मुझे यहाँ पे एसटीआर के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। नेम इज प्लस एस नेम, पर सेल्फ आपको लगाना है। सेल्फ नहीं लगाओगे तो मेथड्स आपको मैनेज ही नहीं होगा। डायनेमिक के लिए सेल्फ लगाना क्या है, मैंडेटरी है, इज द मैंडेटरी पार्ट फॉर डायनेमिक। नाउ आई विल एक्सेस दिस। तो जो मेरा नॉर्मल कॉलेज की इंफॉर्मेशन है उसको मैं obj इक्वल्स टू, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया। स्टैटिक को कॉल करने के लिए डायरेक्टली मैं कॉलेज डॉट, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, इट इज़ अ कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट, हेंस कॉलेज इन्फो, ये क्लास नेम से क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। नाउ आई विल रन दिस। पहले मैं स्टैटिक को कॉल करता हूँ, ये आ गया। अब डायनेमिक के लिए क्या, कोई बच्चे अलग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे दे दिया, जो भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है 1001। ठीक है, मैं यहाँ पे हार्ड कोड दे रहा हूँ, जय कुमार ओबीजे डॉट डिस्प्ले देता हूँ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, अब कॉलेज इन्फॉर्मेशन तो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, मेमोरी आपकी एक ही रहेगी, ओबीजे वन। दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया ओबीजे वन के अंदर, 1002 मनीष कुमार। तो ये एक प्रोग्राम है कि ऐसे आपका, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कॉलेज सिस्टम ही बनाते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो सभी के लिए एक ही वैल्यूज को आपको एक्सेस कराना है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉमन इन्फॉर्मेशन, तो वो आप स्टैटिक में ले सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग हैं, जिनको आप अलग अलग स्टोर करना चाहते हो, अलग अलग ऑपरेट करना चाहते हो, अलग अलग एलोकेशन में मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डायनेमिक अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। ओके, डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा इन द सेंस, यहाँ पे डिस्प्ले डेटा जो है ये मैनेज्ड है, और यहाँ पे कॉलेज इन्फो, ठीक है, कॉलेज इन्फो तो वन टाइम ही मैंने कॉल किया है। फर्स्ट जस्ट मिनट आई एम मैनेजिंग, तो ये डिस्प्ले डेटा। ओनली द मिस्टेक वाज दैट कि मैंने यहाँ पे डी स्मॉल लिखा था। ठीक है, डिस्प्ले डेटा आपका इस तरीके से होगा। तो मैं ध्यान रखना कि मेथड जिस नाम से आप बनाओ उसी नाम से आपको कॉल करना है, और ये दोनों मेथड्स आपके प्रोग्राम्स में क्या हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको स्टैटिक का भी एग्जांपल बताया, इसे हम स्टैटिक बोलते हैं। यदि आप सेल्फ
यूज नहीं करोगे तो वो स्टैटिक होगा, और यदि आप सेल्फ यूज करोगे तो वो क्या होगा, डायनेमिक होगा पाइथन के अंदर। ये पाइथन का सिंटैक्स पैटर्न है। तो पाइथन दोनों टाइप के वेरिएबल्स यूज कर, दोनों टाइप के मेथड्स यूज करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन वाइज बता दिया। बाकी यदि आप बेस्ड ऑन डिफॉल्ट पैरामीटराइज जो सेम थिंग्स है आपका, जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया था, वो सभी टाइप के डिफॉल्ट टाइप के फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, मेथड बना सकते हो, रिटर्न टाइप विद रिटर्न टाइप, पैरामीटराइज टाइप के भी आप विद रिटर्न टाइप विदाउट रिटर्न टाइप बना सकते हो। तो बस आप ये समझिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको कॉन्स्टेंटली या एक ही इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स को शेयर कराना है तो आप स्टैटिक यूज़ करेंगे। सभी के लिए आपको अलग अलग मेमोरी क्रिएट कराना है तो उसके लिए आपको डायनामिक यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक इन पाइथन।